ताइवान के पूर्वी तट के पास एक ट्रेन के पटरी से उतर जाने के चलते 36 यात्रियों के निधन की खबर आई है। वहीं 72 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। बता दें कि यह हादसा शुक्रवार को सरकारी छुट्टी के दिन तोरोग जार्ज दर्शनी क्षेत्र के पास करीब सुबह 9 बजे हुआ था। वहीं मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ट्रेन में 350 यात्री सवार थे, जहां पर अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। आपकी जानकारी बता दें कि ताइवान में हुआ ट्रेन हादसा बेहद दर्दनाक रहा, जहां पर 36 यात्रियों की तो मौके पर ही जान चली गई। वहां पर जितने भी 72 लोगों की घायल होने की खबर आ रही है, जिनको लेकर डॉक्टर्स लगातार उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी कि जितने भी घायल लोग हैं उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। वैसे आपकी जानकारी ये बता दें कि इससे पहले भी न जाने कितने ही ट्रेन हादसे होते हैं, लेकिन उन ट्रेन हादसों में सबसे ज्यादा भयानक और खतरनाक ट्रेन हादसा यही रहा है, जहाँ पर 350 यात्री इसमें भरे हुए थे और उसके बावजूद जब यह हादसा हुआ तो 36 यात्रियों की मौके पर ही जान चली गई। खैर, जो भी हुआ बेहद दर्दनाक रहा। ऐसे में दुआ यही है कि जितने भी लोग घायल हुए हैं वो सारे के सारे सुरक्षित बच जाएं और जिन यात्रियों की जान चली गई उनकी आत्मा को शांति मिले। भारत टीवी डेस्क से रिजवान खान की रिपोर्ट।